मैं सीधा इसकी रीढ़ की हड्डी पे आऊंगा। तो पहले किसको बचाऊं मैं? अबे छोड़ो, क्या कर रहे हो? अब तेरी बारी। सब मिलके मारो इसे, जल्दी से पानी के अंदर डालो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुक जा, रस्सी तो बांध लो इसकी तो। अबे छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ो, सब मिलके इसे मार दो। ये क्यों हुआ? तूने हम सब के काम खराब कर दिए। यार मैंने तो आप सब की जान बचाई है। तूने जान नहीं बचाई, हमें तंग किया। वो कैसे? आओ बताता हूँ। Oh no! बस रुको, सामने तो दरिया बह रहा है, कैसे क्रॉस करेंगे? अबे ये दरिया है। खामोश, हम अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहते। हम यहाँ पे पुल बनवाएंगे, फिलहाल रास्ता चेंज करो, चलो। तो बताओ मुझे, पहले नंबर पे ये मेरा बच्चा, इसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी ऊपर निकल चुकी थी। मैं जैसे इसके ऊपर छलांग लगाता ना, इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती। दूसरे नंबर पर हमारा ये बच्चा हमारी बस्ती का न्यूटन है। ये लकड़ी पर बैठ के देखना चाहता था कि जैसे ही मैं लकड़ी पर बैठ के लकड़ी को काटूंगा, मैं लकड़ी के साथ ऊपर जाऊंगा या नीचे। अच्छा ये कैसे हो सकता है? ये हो जाता लेकिन तूने नहीं होने दिया। अच्छा ये उस बच्चे के गले में रस्सी डालकर उसे पानी में क्यों फेंक रहा था? यही बात तो तुम बेवकूफों को समझ नहीं आती ना। वो बच्चा दरअसल बीमार था, ये लड़का उसका इलाज कर रहा था। ये किस तरह का इलाज था? सुनो जरा, मेरे पास एक कुल्हाड़ी थी, मैं एक दिन उसे धूप पे भूल गया, वो धूप पे पड़े पड़े बहुत ज्यादा गर्म हो गई। Oh, no. उसे डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने कहा इससे शदीद बुखार है। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि इसके गले में रस्सी डाल के इसे पानी में डाल दो, एक दिन के लिए ये ठीक हो जाएगी। मैंने ऐसा किया और सच में कुल्हाड़ी ठीक हो गई। जब कुल्हाड़ी ठीक हो सकती है तो ये बच्चा ठीक क्यों नहीं हो सकता? पता नहीं यार, तुम किस दुनिया में जी रहे हो? आओ बताता हूँ, चलो। सुन, अब तुझे मैं समझाता हूँ तू कहाँ है। ये देख क्या लिखा हुआ है, पागलों की बस्ती। यही तो तुम लोग गलती करते हो पढ़ने में। ये लिखा हुआ है जहीन लोगों की बस्ती पार्ट टू। पागलों की बस्ती सच में थी। मैं उस बस्ती में फंस चुका था। मैं जैसे ही वहां से निकला ना, मेरा IQ लेवल 1000% से भी ज्यादा काम करने लगा। फिर मैंने यहाँ आके जहीन लोगों की दूसरी बस्ती बसाई। ये है जहीन लोगों की बस्ती। तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खराब है, हम इसे ठीक करेंगे। इसने हमारे बहुत सारे काम खराब किए, अंदर डालो इसे। कल मैं आके इससे पूछूंगा कि ये क्या लिखा हुआ है, फिलहाल बंद करो इसे। एक दिन के बाद पानी से क्या लिखा हुआ है, पागलों की बस्ती, अंदर चल। 5 दिन के बाद भैया छोड़ दो, पढ़ फिर। जहीन लोगों की बस्ती पार्ट 2। ये अब हम जैसा जहीन हो चुका है, मुबारक हो, हमारी टीम में एक बाशिंदा बढ़ चुका है। चल 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 चल।